Pakistani Army once again violated the ceasefire by firing unprovoked on the line of control in Poonch district of Jammu and Kashmir. Pak troops on Monday targeted forward posts in Khari Karmada area of the Poonch district. Indian Army effectively retaliated to the firing. No injury or damage has been reported so far. और ये खड़ी करमाड़ा गांव है तो फायरिंग तो ये 1 जनवरी से लेकर आज तक कोई दिन भी ऐसा वैकेंट खाली नहीं गया ना हुई हो तो आज भी 12 बजे के बाद बराबर ही गोलाबारी हुई है अचानक गोला पड़ता है पता नहीं चलता है गांव के अंदर और गांव के साइड में स्कूल के करीब में और हर जगह दुनिया परेशान है परसों जो गोलाबारी हुई थी उसमें काफ़ी सारे किसी की रसोई पे लगा किसी के मकान की छत पे लगा तोड़ ताड़ हुई आप देख सकते हैं जाके दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस वक्त ये मुझे पता नहीं कि इस 1 जनवरी के बाद ये क्या मामला है और इतनी दुनिया ये एक नहीं ये आप देख सकते हैं देखवार में खड़ी करमाड़ा में हर साइड में यही मामला चल रहा है तो किस तरीके का डर है पूरे गाँव में देखो पूरे गाँव में अगर किसी की मौत हो जाती है तो कब्रिस्तान पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इसलिए अगर जनाजा रखा हुआ होता है तो फायरिंग होती है लोग भाग जाते हैं अगर स्कूल में बच्चे होते हैं पढ़ाई शुरू होती है तो गोलाबारी होती है तो बच्चे या तो स्कूल के अंदर जाते हैं या भाग जाते हैं तो इसलिए बहुत परेशानी की हाल है तो इस वक्त आप देखते हैं आप रोज सुनते भी हैं आते भी हैं इस वक्त गांव जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है पाकिस्तान आर्मी हैज फॉर द पास्ट 10 डेज फायरिंग अनप्रोवोक्ड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन राजौरी एंड पुंछ एरियाज ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਡਬਲ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੀ ਅਗਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਡੈਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਹਾਂ ਸੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਹਮ ਅੰਦਰ ਜਬ ਪਾਸ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੋ ਤਬ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਛੁਪ ਗਏ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲੱਗਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹੈ